हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। गाइस, आज के लेसन में हम प्रपोजिशंस पढ़ने वाले हैं। प्रपोजिशन के एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्लियरली स्टडी करने वाले हैं। मेरा आपसे प्रॉमिस है कि अगर आप इस लेसन के एंड तक टिक गए तो आप खुद कहेंगे कि आज के वीडियो में जितने भी प्रपोजिशंस पढ़े सभी बहुत ईजी थे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन बनता है कि प्रपोजिशन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन आपका दो वर्ड से मिलकर बना है, एक प्री और दूसरा पोजिशन। प्री का मतलब होता है पहले, पोजिशन यानी स्थान, किसी स्थान से पहले। तो ये आपको क्लियर हो गया प्रपोजिशंस क्या होते हैं, किसी स्थान से पहले इनका यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर डेफिनेशन की। प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज नाउन या प्रोनाउन से पहले किया जाता है। अब ये काम क्या करता है, तो देखिए, जिस नाउन या प्रोनाउन से पहले इसका यूज हुआ है उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के बाकी सभी वर्ड्स के साथ शो करता है। एग्जाम्पल से देखेंगे, ही लिव्स इन दिल्ली। यहाँ पर आपका प्रपोजिशन है इन, जो के नाउन से पहले लगाया गया है, नाउन दिल्ली से पहले लगाया गया है। और ये यहाँ पर काम क्या कर रहा है, दिल्ली का रिलेशन सेंटेंस के बाकी वर्ड्स से शो कर रहा है, यानी ही लिव्स इसका रिलेशन जो है दिल्ली के साथ कौन शो कर रहा है, इन शो कर रहा है। वह कहाँ रहता है, दिल्ली में रहता है। शी केम फ्रॉम दिल्ली, यहाँ पर आपका प्रपोजिशन है फ्रॉम, जो कि नाउन दिल्ली का रिलेशन सेंटेंस के बाकी वर्ड्स से शो कर रहा है। ही विल कम ऑन वेडनेसडे, ऑन यहाँ पर एक प्रपोजिशन है, वेडनेसडे नाउन से पहले लगाया गया है और काम क्या कर रहा है, वेडनेसडे का रिलेशन सेंटेंस के बाकी वर्ड्स के साथ शो कर रहा है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या हमेशा प्रपोजिशन के बाद में नाउन या प्रोनाउन का यूज होगा। देखिए, प्रपोजिशन का यूज नाउन या प्रोनाउन से पहले ही हो ये जरूरी नहीं है। जैसे हु वॉज शी फाइटिंग विद, यानी वह किसके साथ लड़ रही थी। विद यहाँ पर एक प्रपोजिशन है और इसके बाद में कोई भी नाउन या प्रोनाउन का यूज नहीं किया गया। तो ये जरूरी नहीं है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि प्रपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन का यूज होगा ही होगा। अब अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये जो एग्जांपल्स हैं इन्हें थोड़े से डीपली हम एनालाइज करते हैं। पहला एग्जांपल है ही लिव्स इन दिल्ली, क्लियर, वह दिल्ली में रहता है। तो ये क्या बता रहा है, ये जगह बता रहा है, ठीक है, प्लेस। दूसरा एग्जांपल अगर देखा जाए, शी केम फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आई थी, ये क्या बता रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है। नेक्स्ट क्या है, He will come on Wednesday, यानी वह Wednesday को आएगा, ये क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। यानी प्रपोजिशंस आपकी मेनली तीन चीजें बताती हैं, या तो प्लेस बताएगा, या डायरेक्शन, या फिर टाइम बताएगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस को स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला प्रपोजिशन जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ऑन। ऑन आपका किस सेंस में यूज किया जाता है, के ऊपर या पर के लिए। अब पहला यूज इसका क्या है, देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा हुआ है, तब आप ऑन का यूज करेंगे। रखा हुआ है से क्या मतलब है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स फिजिकली टच में हैं एक दूसरे के, जैसे वह कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। अब अगर आप भी कुर्सी के ऊपर बैठते हैं तो किस तरीके से बैठते हैं, देखिए, चेयर का सरफेस और आपका सरफेस, आपकी बॉडी, दोनों आपस में टच होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बीच में हवा आ जाती है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल टच होकर बैठते हैं और ऊपर बैठे हैं। तो ऊपर के लिए जब आप फिजिकली टच हैं तब आप ऑन का यूज करेंगे, जैसे ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, वह सड़क पर दौड़ रहा है। सड़क पर आप दौड़ेंगे तो आपके पैर जमीन के ऊपर है, सड़क के ऊपर है, दो ऑब्जेक्ट्स आप और सड़क ऊपर नीचे हैं और फिजिकली टच में हैं, तो आप क्या यूज करेंगे, ऑन। ही इज रनिंग ऑन द रोड, ऑन का यूज आप मे और को की सेंस में भी करते हैं। कब, जब आप डे या फिर किसी डेट को शो करना चाहते हैं, दिन और तारीख दिखाने के लिए, जैसे वह शुक्रवार को आएगा। अब ये क्या कर रहा है, ये एक डे बता रहा है, ठीक है, कौन से दिन आएगा, शुक्रवार को आएगा, तब आप ऑन का यूज करेंगे। ही विल कम ऑन फ्राइडे, को की जगह पर यूज किया गया है यहां पर ऑन। मैं 16 अप्रैल को पैदा हुआ था,
आई वॉज बॉर्न ऑन 16th अप्रैल, डेट बता रहा है, मैं रविवार को गया था, आई वेंट ऑन संडे। थर्ड इसका यूज कहां पर है, देखिए काफी टीचर्स इसे नहीं बताते हैं, बट मैं आपको बताता हूं। जब आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी कार से जा सकते हैं, बाइसिकल, स्कूटर और भी कई सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। तो जब आप किसी पब्लिक या फिर कमर्शियल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, जैसे ट्रेन, प्लेन, बस, शिप, बोट, तब आप ऑन का यूज़ करेंगे। किस तरीके से, यानी मान लीजिए आप बस में हैं और आपका फ्रेंड आपको कॉल करता है कि कहाँ हो, आप कहेंगे आई एम ऑन द बस। क्लियर, ये नहीं कहेंगे आई एम इन द बस, मैं बस में हूँ, आप कहेंगे आई एम ऑन द बस, क्योंकि ये एक पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। ऐसा क्यों है, देखिए जो आपके ये सभी मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, ट्रेन, प्लेन, बस, शिप, बोट, ये सभी आपके ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, ऐसे व्हीकल्स हैं कि जब ये मोशन में हैं आप इनमें खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, ठीक है। मेन यहाँ पर बात क्या है कि अगर ये चीज़ मोशन में है, अगर ये व्हीकल्स मोशन में, तो आप इनमें खड़े हो सकते हैं, घूम सकते हैं। जैसे प्लेन, प्लेन में, प्लेन आपका मोशन में है, ठीक है, उड़ रहा है, आप उसमें खड़े हो जाइए, नो प्रॉब्लम, आप उसमें घूम सकते हैं, आप उसमें जॉगिंग कर सकते हैं इवन। क्लियर, तो इस टाइप के जो आपके ट्रांसपोर्टेशन के जो मीन्स हैं, जो व्हीकल्स हैं, उनके साथ में आप ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे आई एम ऑन द ट्रेन, ट्रेन क्या है, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो आप ऑन का यूज़ करेंगे, यानी मैं ट्रेन में हूँ, मीनिंग यही है, लेकिन यूज़ क्या होगा, ऑन का यूज़ होगा। अगर आप कह रहे हैं मैं गाड़ी में हूँ, तब आप आई एम इन द कार बोलेंगे। क्लियर, अब ये था कि आप बता रहे हैं मैं कहाँ पर हूँ, ठीक है, आई एम ऑन द ट्रेन। अगर आप कहना चाह रहे हैं कि अपनी लोकेशन बताना चाह रहे हैं, ठीक है, आप कहना चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पर हूँ या तुम मुझे ढूंढ लो, तो आप किस तरीके से बोलेंगे, यू कैन फाइंड मी इन द ट्रेन। अब यहाँ पर इन आया क्योंकि आप अपनी लोकेशन बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बता रहे थे, यानी किस जरिए से, किस चीज़ में आप ट्रेवल कर रहे हैं। होता है ना, आपको कॉल आती है कि भाई कैसे आ रहे हो, तो आप बोलते हैं आई एम ऑन द ट्रेन, यानी मैं ट्रेन में हूँ। नेक्स्ट आपका प्रपोजिशन आता है ऑन टू। ऑन टू कहाँ पर यूज होता है, के ऊपर या फिर पर की सेंस में इसका यूज किया जाता है। डिफरेंस क्या है, देखिए ऑन का यूज हो रहा था दो ऑब्जेक्ट्स जब ऊपर नीचे रखे हुए हों, यानी वहां पर रेस्ट था, कोई भी मोशन वहां पर नहीं हो रहा था, दो चीजें रखी हुई हैं, शांत हैं। यहां पर क्या है, गति के साथ ऊपर को दिखाने के लिए ऑन टू का यूज किया जाता है, यानी एक ऑब्जेक्ट है वो उठकर दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा गया, यानी पहले मोशन हुआ, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट पहले मोशन कर रहा है और फिर दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जाकर रखा जा रहा है। जैसे मैं कूदकर घोड़े के ऊपर बैठा, तो पहले मैं मोशन में हूँ, ठीक है, मैं कूदा तो मोशन में हुआ, उसके बाद मैं घोड़े के ऊपर बैठ गया, आई जंप्ड एंड सेट ऑन टू द हॉर्स। क्लियर, यहाँ पर ऑन टू का यूज किया जाएगा, के ऊपर की जगह पर ऑन टू। बिल्ली कूदकर बिस्तर पर बैठ गई, द कैट जंप्ड एंड सेट ऑन द बेड, ऑन टू द बेड। क्लियर, तो जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं ऊपर नीचे हैं लेकिन मोशन के साथ, ठीक है, कोई चीज उछल कर या चल कर एक दूसरे के ऊपर आई हैं, तब, यानी यहां पर क्या है, पहले मोशन और फिर रेस्ट। दूसरा यूज आपका क्या है, देखिए ऑन टू का यूज आप तब करते हैं जब मान लीजिए कोई प्लान बनाया गया है किसी के द्वारा और आपको उसकी पूरी जानकारी है, ठीक है, हालांकि वो पर्सन नहीं चाहता, आपको इनफॉर्मल वे में उसकी जानकारी है, तब आप ऑन टू का यूज कर सकते हैं। जैसे वे जानते थे कि मुझे उनके प्लान की पूरी जानकारी थी, दे न्यू आई वॉज ऑन टू देयर प्लान, तो यहाँ पर आपने ऑन टू का यूज किया, ठीक है, जब आपको उनके प्लान की पूरी जानकारी थी। हालांकि ये इनफॉर्मल है, फॉर्मल तरीका नहीं है यहाँ पर, मतलब ये बताना नहीं चाह रहे थे, बट आपको फिर भी उनकी जानकारी है प्लान की। ऑन टू यहाँ पर कैसे यूज हुआ है, फुली अवेयर की जगह, अगर आप बोल लेते दे न्यू आई वॉज फुली अवेयर ऑफ देयर प्लान, तब भी सही होता, तो आप क्या कर रहे हैं, फुली अवेयर की जगह पर ऑन टू का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका प्रपोजिशन हम पढ़ने वाले हैं अपॉन। अपॉन का मतलब क्या है, अपॉन आपका के ऊपर या पर के सेंस में यूज किया जाता है। अब
गति के साथ एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट का होना। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, देखिए जब हमने ऑन टू पढ़ा, ऑन टू में क्या हो रहा था, दो ऑब्जेक्ट्स थे, एक ऑब्जेक्ट उठकर दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आकर रखा जा रहा था, यानी पहले मोशन और फिर रेस्ट। अपोन में क्या है, अपोन में मूवमेंट हो रही है लेकिन ज़्यादा देर तक वो रखे नहीं है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। इसका मैं कहूँ कि ये ओन टू की तरह ही इसका यूज़ किया जाता है तो गलत नहीं होगा, ठीक है। जैसे ओन टू का यूज़ आप करते हैं उसी तरीके से अपोन का भी सेम यूज़ है। डिफरेंस क्या है, अगर मान लीजिए जो मोशन करके एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर जा रहा है, अगर वो चल के जा रहा है यानी वॉक करके जा रहा है तब आप ओन टू का यूज़ करेंगे, अगर क्लाइंब करके जा रहा है तब आप ओन टू का यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप अपोन का यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई चीज़ जैसे मैं कहूँ अ डॉग जंप्ड अपॉन मी, यानी एक कुत्ता मुझ पर कूद पड़ा, क्लियर। तो मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, एक ऑब्जेक्ट डॉग है, तो डॉग ने क्या किया, वो मेरे ऊपर कूद पड़ा, यानी मोशन करके वो मेरे ऊपर आ गया, फिजिकली टच हो गया, फिजिकल टच में आ गया, तो आपने अपोन का यूज़ किया, ठीक है। ये मोर फॉर्मल हो जाता है, ठीक है। आप ओन टू का भी यूज़ कर सकते हैं, अपोन का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट होंगे। अपोन आपका फॉर्मल वे में यूज़ किया जाता है, ओन टू थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है। जब आप वॉक या फिर क्लाइंब करके, मोशन जो है आपका वॉक या फिर क्लाइंब का है, तब आप ओन टू का यूज़ कीजिए, मैं आपको अपोन वहाँ पर प्रेफर नहीं करूँगा। अब कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ में ऑन की जगह पर इसका यूज़ किया जाता है, जैसे डिपेंड, कॉन्ग्रेचुलेट, हैपन, इंसिस्ट, एक्सपीरियंस। मैं कहूँ शी फिक्स्ड हर गेज अपॉन मी, आपके मैनेजर है, ठीक है, फीमेल मैनेजर है, वो क्या कर रही है, आपके ऊपर निगाहें गड़ाए हुए है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, उसने मुझ पर निगाहें गड़ा रखी हैं, क्लियर। अब मैनेजर है तो आपको थोड़ा फॉर्मल वे में बोलना होगा, तो आप क्या बोल रहे हैं, अपोन का यूज़ करके बोल रहे हैं, अदरवाइज आप ओन टू का यूज़ करते अगर ज़्यादा फॉर्मल नहीं बोलना होता। या फिर आप कहिए उसने मुझ पर टकटकी लगा रखी है, क्लियर, दोनों ही यहाँ पर मीनिंग निकल जाते हैं। दूसरा यूज़ अपोन का कहाँ पर होता है, देखिए कोई ऐसी चीज़ जो होने वाली है जस्ट, ठीक है, जैसे होली लगभग हमारे सर पर है, ठीक है, यानी सेंस क्या निकल रहा है कि होली आने वाली है, जल्दी ही होली आने वाली है। होली इज ऑलमोस्ट अपॉन अस, ठीक है, सर पर यानी अपॉन, क्लियर, इस तरीके से। या फिर आपके ये परीक्षाएं हमारे सर पर हैं, एग्जाम्स आर अपॉन आवर हेड्स, क्लियर। तो यानी अपोन का मतलब यहाँ पर भी है कि ऊपर, हमारे सर के ऊपर हैं या फिर हमारे सर पर हैं, ठीक है, इस तरीके से आपके सेंटेंसेस बन सकते हैं। लेकिन ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, ये ऐसी चीज़ डिस्क्राइब कर रहा है जो होने वाली है, ठीक है, जल्द ही होने वाली है। अब बात आती है प्रेपोजिशन ओवर की। ओवर का यूज़ आप कब करते हैं, ओवर से सेंस निकलता है के ऊपर लेकिन बिना छुए, या फिर के ऊपर से पर बिना छुए। ये बेसिकली करता क्या है, एक वर्टिकल हाइट को शो करता है, यानी घोड़ा रस्सी के ऊपर से कूदा, ठीक है। अब घोड़ा रस्सी के ऊपर से कूद रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, जब आप हॉर्स जंप्ड अपो ओवर द रोप, ठीक है, जब आप ओवर का यूज़ कर रहे हैं तो आप कहना चाह रहे हैं कि रोप के ऊपर से कूदेगा लेकिन टच नहीं होना चाहिए, क्लियर हो गया। नदी के ऊपर एक पुल है, ठीक है, नदी के ऊपर एक पुल ज़रूर है लेकिन वो फिजिकली नदी को टच नहीं कर रहा, यानी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर नीचे ज़रूर हैं लेकिन फिजिकल टच में एक दूसरे के नहीं हैं। तो आप क्या बोलेंगे, देयर इज़ अ रिवर ओवर द ब्रिज, ठीक है, फिजिकल कॉन्टेक्ट में नहीं है इसलिए ओवर का यूज़ कर रहे हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, एक वर्टिकल हाइट को शो करते हैं, ठीक है, वर्टिकल यानी खड़ी हुई लंबाई को शो करते हैं, जैसे नदी और आपका जो पुल है इसके बीच में। इसके बाद ओवर का यूज़ आप और किस तरीके से करते हैं, के ऊपर या से ऊपर के सेंस में, जब आपको कोई नंबर शो करना है, किसी की एज शो करनी है या फिर कोई अमाउंट शो करना है, जैसे वह 30 के ऊपर है, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि उसकी एज 30 से ज़्यादा है या 30 के ऊपर है, तो आप क्या बोलेंगे, ही इज़ ओवर 30, क्लियर। एज शो करना चाह रहे हैं आप तो ओवर का यूज़ करेंगे। 50% से ऊपर या फिर कहिए 50% से ज़्यादा शेयर
सरकार के पास हैं। ओवर 50% ऑफ शेयर्स आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, यानी कि जो 50% से ज़्यादा शेयर्स का पार्ट है वो किसके पास है? गवर्नमेंट के पास, 50% से ऊपर, यानी ओवर 50%। क्लियर हो गया यहां पर कि क्या कर रहा है? ये अमाउंट शो कर रहा है। नेक्स्ट आपका यूज आता है जब कोई चीज ढकी हुई हो या फिर कॉन्टेक्ट में हो एक दूसरे के, तब भी हम ओवर का यूज कर लेते हैं। किस तरीके से? देखिए, हमने अपने कानों पर हाथ रख लिए, we put our hands over our ears। तो यहां पर ओवर आपने इसलिए यूज किया क्योंकि दो चीजें आपके हैंड्स और ईयर्स एक दूसरे के ऊपर हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं और कॉन्टेक्ट में हैं, ठीक है। आप अपने हाथों से कानों को ढक रहे हैं, पूरे कवर किए हुए हैं, ठीक है, हाथों से कानों को पूरा कवर किया हुआ है और दोनों कॉन्टेक्ट में हैं, तो आप ओवर का यूज कर लेंगे। He put the blanket over his car, यानी कार के ऊपर उसने क्या किया? ब्लैंकेट ढक दी, या फिर कहिए त्रिपाल ढक दी। तो पूरी तरीके से कार को कवर करेगा, कार के जो कवर होते हैं वो एक तरीके से डाल दिया, तो कार को कवर कर रहा है, वो कार को ढक रहा है कम्प्लीटली। और जब ढकेगा, जब कार के ऊपर ब्लैंकेट यानी त्रिपाल डाली जाएगी तो दोनों कॉन्टेक्ट में आएंगे, बिल्कुल आएंगे, तो आप यहाँ पर ओवर का यूज कर सकते हैं। ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट प्रिपोजिशंस। अब आपके लिए एक होमवर्क है, जैसे हमने ओवर पढ़ा उसी तरीके से ऑल ओवर का यूज सभी जगह के अर्थ में होता है, यानी ऑल ओवर का मतलब क्या होता है? सभी जगह। तो आपको यहाँ से एक एग्जाम्पल बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के लेसन में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, लाइक सब्सक्राइब आपकी मर्जी है, बस एक शेयर ज़रूर कर देना अपने उस फ्रेंड को जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर स्पोकन इंग्लिश कर रहा हो। थैंक यू।